राज्यसभा सांसद बनने की चाहत या बेटे निकुल नाथ का सियासी भविष्य? कांग्रेस से क्यों नाराज हो गए कमलनाथ? हाथ का साथ छोड़ेंगे कमलनाथ? कांग्रेस से कमलनाथ का क्यों हुआ मोहभंग? क्या बीजेपी के हो जाएंगे कमलनाथ? पिछले कई सालों से कांग्रेस के कई नेता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। कांग्रेस को छोड़ने वाले नेताओं की फेहरिस्त भी लंबी होती जा रही है, लेकिन अब जिस नेता का नाम चर्चा में आया है उस पर किसी को यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलें हैं। कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में खड़ा कर चुनाव लड़ने में काबिल बनाने वाले कमलनाथ को जब 2023 के विधानसभा चुनाव में कामयाबी नहीं मिली तो अचानक सब कुछ बदल गया। सियासी गलियारों में चर्चा है कि कमलनाथ अब बीजेपी के हो गए हैं, महज औपचारिकता बाकी है। 17 फरवरी को कमलनाथ जब अपने छिंदवाड़ा दौरे को रद्द करते हुए दिल्ली पहुंचे तो इस बात की चर्चा और तेज हो गई। अब इस पूरे मामले में कमलनाथ ने अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है और न ही वो बीजेपी में जाने की अटकलों का खुलकर खंडन कर रहे हैं। कल कहा था कि अगर ऐसी कोई बात हुई सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। अभी तो मैं 13वीं में जा रहा हूँ। अच्छा। आप लोगों को भी चलना, चलिए मेरे साथ। तो सर बात कुछ है सर, आगे एक बात सर, भाजपा में शामिल होने की नकुलनाथ जी की बात हो रही है? मेरी तो कहीं बात नहीं हुई सर। ठीक है, कमलनाथ की दिल्ली आवास पर भगवान श्री राम के झंडे लग गए हैं, जिससे इस बात की संभावना है और भी प्रबल हो गई है। कमलनाथ भले ही कुछ ना कहे लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सारे स्क्रिप्टिंग हो चुकी है, मैच ऐलान बाकी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा के बयान से तो ऐसा ही लग रहा है कि सब कुछ तय हो चुका है। कमलनाथ जी के कदम जिस तरफ जाएंगे सज्जन वर्मा के कदम भी उस तरफ जाएंगे, ये स्वाभाविक है कि 40 बरस का संबंध है, सुख दुख के साथ ही हम एक दूसरे के रहे हैं, तो जहाँ वो जाएंगे मॉरल सपोर्ट के लिए मुझे भी रहना। हालांकि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अभी भी भरोसा जता रहे हैं कि कमलनाथ पार्टी नहीं छोड़ेंगे। मीडिया से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमें उम्मीद है कि वो किसी दबाव में नहीं आएंगे, कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है। कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति जिन्होंने की शुरुआत कांग्रेस से की और जिन्हें हम सब इंदिरा जी का तीसरा सुपुत्र मानते थे और उन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस के स्तंभ रहे हैं, सारे पद उनको मिले हैं और मुझे नहीं लगता कि वे पार्टी छोड़ेंगे। लेकिन कमलनाथ जी का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं रहा है। कांग्रेस पार्टी से कमलनाथ की नाराजगी की कई वजहें सामने आ रही हैं। हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से कमलनाथ का कांग्रेस से मोहभंग होने लगा है। राज्यसभा का टिकट नहीं मिलने से हुए नाराज, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जाने से हुए नाराज, एमपी कांग्रेस की हार का ठीकरा कमलनाथ पर फोड़ा गया, दिल्ली से लेकर एमपी तक कमलनाथ का रुतबा घटा, बेटे नकुलनाथ का राजनीतिक भविष्य और कारोबार की चिंता, सिख दंगों को लेकर 23 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई, करोड़ों के फ्रॉड में भांजे अतुल पुरी पर ईडी का शिकंजा, चुनाव के दौरान सोनिया और राहुल गांधी से भी नाराजगी की खबरें, कांग्रेस के भीतर दिल्ली से लेकर एमपी तक घटता रुतबा। ऐसी खबर है कि कमलनाथ के साथ छिंदवाड़ा सांसद और बेटे नकुलनाथ के अलावा एमपी कांग्रेस के कई विधायक हाथ का साथ छोड़ सकते हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। कमलनाथ को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी भी हाथ फैलाए खड़ी है। बीजेपी के नेता बार बार कह रहे हैं कि पार्टी में सबका स्वागत है। हमने अपने दरवाजे इसलिए खोले हैं क्योंकि कांग्रेस में ऐसे लोग जिनको लगता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कांग्रेस करती है, भारत के मन में राम है, भारत के हृदय में राम विराजमान है, उनका अपमान कांग्रेस करती है, तो वो जो लोग हैं जिनके मन के अंदर पीड़ा होती है तो उन्हें अवसर मिलना चाहिए। और अगर जिनका नाम आप ले रहे हैं उनके मन के हृदय में पीड़ा है तो मुझे लगता है कि उनका स्वागत है। वीरेन जी स्वागत है उनका। मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप के लिए छिंदवाड़ा बीजेपी के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है। बीजेपी जानती है कि कमलनाथ के रहते छिंदवाड़ा जितना आसान नहीं है। कमलनाथ अगर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा, जिसका असर केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में होगा। तो चलिए समझते हैं कि बीजेपी को क्या बड़ा फायदा होगा।
एमपी में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगेगा। कई विधायक और नेता भी जाएंगे बीजेपी के साथ। लोकसभा में बीजेपी को होगा बड़ा फायदा। छिंदवाड़ा में भी बीजेपी को मजबूती मिलेगी। भाजपा का मिशन 29 भी आसान होगा। इंदिरा के तीसरे बेटे का टैग भी बीजेपी के लिए फायदेमंद। कांग्रेस की इमेज बिगाड़ने में इस नैरेटिव का इस्तेमाल। कमला सियासत के धुरंधर और अनुभवी खिलाड़ी हैं। अगर वो बीजेपी में जाने का कदम उठा रहे हैं तो काफी सोच समझ कर ये फैसला लेंगे। बीजेपी के साथ कुछ मुद्दों पर डील होगी तभी वो इतना बड़ा कदम उठाएंगे। अब सवाल यह है कि आखिर इस बगावत में कमलनाथ को क्या मिलेगा। बीजेपी छिंदवाड़ा से नकुलनाथ को उम्मीदवार बना सकती है। छिंदवाड़ा जीतकर नकुलनाथ की सांसदी बनी रहेगी। बेटे के सियासी भविष्य की चिंता से कमलनाथ दूर हो जाएंगे। कमलनाथ राज्यसभा से सांसद बनकर दिल्ली लौट आएंगे। कमलनाथ फिर केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे। कमलनाथ को बीजेपी राज्यपाल भी बनवा सकती है। एमपी चुनाव में मिली हार के लिए जब कमलनाथ की भूमिका पर हाईकमान ने सवाल उठाए तो उन्होंने चुनाव में हुए निजी खर्च का ब्यौरा तक दे दिया। इसके बाद हाईकमान से कमलनाथ के रिश्ते पहले की तरह नहीं रह गए। कांग्रेस से कमलनाथ की बगावत के पीछे का सच जो भी हो अब जल्दी इस मामले से पर्दा उठ जाएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि कमलनाथ की कांग्रेस छोड़ने से पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा जिसकी भरपाई शायद नहीं हो पाए। लोगों के जहन में बार बार एक सवाल अब गूंज रहा है जिसे इंदिरा गांधी अपना तीसरा बेटा कहती थी वो भी पार्टी का दामन छोड़ रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट।